और बीच सिर से ऊपर इतना लंबा दिन सिर से ऊपर होना चाहिए और जो बीच में गैप है वो गैप सबके आगे जो लोगों ने बनाई थी पहले कश्मीरों पर वही नहीं जिस दूर ये जंड खड़ा था रुख जवाब भी थोड़ा कम ही लगा कि प्रोग्राम शुरू करेंगे ना हम आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद टाइम भी आ चुका है दो बार देश के आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान टाइम भी आ चुका है हम अपने देश के रखवाले वीर सराफन बोल कि लाखों सानो लूको परवानी आज दिन तमिक गई अच्छी पांच सत्त वरी आजाद अल्लाह हाफिज कि हाल ही में लाल चौक श्रीनगर में हजारों के तादाद में कश्मीर के मुसलमानों ने हिंदुओं ने पंडितों ने सिखों ने अपने तिरंगा हाथ में लेके उन ताकतों को बता दिया जो कहते थे कि यह तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा उन्होंने लाल चौक श्रीनगर में देखा और जो यहाँ के बसकिंदर हैं जिन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा मैं उनको कहना चाहूँगा जितने भी यहाँ पे मीडिया कर्मी है उनके आंखों से देखिए बाहर निकलिए मीडिया कर्मी की आंखों से देखिए खन्नाबल से लेके लाल चौक तक हजारों के तादाद में लोगों के हाथ में झंडे थे आज इन ताकतों ने उन ताकतों को इन लोगों ने जवाब दे दिया कि यहाँ 70 लाख मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के साथ जुड़ चुके हैं और तिरंगा उनके दिल में भी है घर में भी है और हाथ में भी है।